जनाब मेरा क्या कहते हैं, मेरी वाइफ का जो आधार कार्ड है करीब 4 साल पहले मैंने बनवाया, जिसकी स्लिप मुझे मिली वो करीब मैं 3 महीने तक इंतजार किया, नहीं मिली वो स्लिप में से गुम हुई। उसके बाद मैंने 3-4 बार उसको डिवाइड करवाया कि मेरी निकलेगी निकलेगी, वहाँ जाओ तो 100 रुपये ले लेते हैं मुझसे और एक पर्ची कार्ड दे देते हैं कि आप जाना। उसको ले लेकर घूमता रहता हूँ, ऊपरों के पास जाता हूँ, कहते हैं आप 147 पे फ़ोन कीजिए। मैं फ़ोन वहाँ करता हूँ, वो कहते हैं इंक्वायरी ऑफिस जाइए, यहाँ आता हूँ तो धक्का पड़ती है, कुछ नहीं मिलता है। तो इंक्वायरी ऑफिस यहीं पे आपके घर के पास, घर के कोई कुछ नहीं है, वो सीधे कहते हैं प्रगति मैदान जाइए आप। और जो ई मित्र घूम रहे थे ये सब करवाने के, कुछ कोई कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाता है वहाँ पे, हमारे एरिया में कोई ई मित्र नहीं है। दुकान खुली है ना परचून की, 2-3 दिन 100 रुपये लेते हैं, हम बना देंगे, आप नहीं बना सकते कहते वहाँ जाओ प्रगति मैदान, 100 रुपये लेते हैं स्लिप कार्ड का, देते हैं हर बार 100 रुपये देते हैं। नहीं नहीं वो अगर आपको जाओगे तो फिर वो चक्कर लगवाते हैं आपके पास, आपके पास चक्कर लगवाएंगे कि आइए आइए। मैंने दिसंबर में स्लिप कटवाई थी और आज क्या कहते हैं तुम्हारा जुलाई हो गया, अभी तक मुझे कोई आधार कार्ड नहीं मिला। अब वो कहते हैं डायरेक्ट आप वहाँ जाइए प्रगति मैदान, जाओगे प्रगति मैदान भेजा था 100 रुपये क्यों लिए हमसे। अरे ये भी सुनो, कहते हैं सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, पार्लियामेंट का भी ऑर्डर है, तो सिटीजन वालों की अस्थेसी हो रही है, यही कहाँ नहीं है, कहीं अर्जेंट हो जाएगा, कौन है जिम्मेदार, ये मेरे बच्चे रह जाएंगे। कल को कहते हैं आपका, कहते हैं भाई आपका खाता बंद कर दिया जाएगा आधार कार्ड नहीं लगा हुए, तो आधार कार्ड है ही नहीं, तो लगाए कहाँ से। तो आधार कार्ड आया ही नहीं आपने, आया नहीं है साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने कर रखा है कि ये सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है, ऑनलाइन क्या लोग धक्का खा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं दलाल दलाल पड़े हुए हैं, वो ले रहे 300-300 रुपये जाम बना दें, नहीं बन पा रहे कहते जाओ तुम जाओ हर गली।